उत्तराखंड में विकास पुरुष नरेंद्र तिवारी ने सिडकुल की स्थापना की, जिसके स्थानीय व्यक्तियों को 70% रोजगार देने और ट्रांसपोर्टर को बढ़ावा देने की क्यास लगाया जा रहा है। आपको बता दें कि ट्रांसपोर्ट हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है। अगर ट्रांसपोर्ट रुक जाता तो पूरे देश के आर्थिक संकट जो है, देश में आर्थिक संकट जूझने लगता। कोरोना के बाद सबसे ज्यादा असर ट्रांसपोर्ट को झेलना पड़ रहा है। कई ट्रांसपोर्ट के वाहन बैंकों द्वारा सीज कर दिए गए, क्योंकि काम ना होने के कारण वो बैंक किस्त नहीं चुका पाए। वहीं हरिद्वार में सिडकुल ट्रांसपोर्टर्स ने बताया कि चाहे कावड़ मेला हो या पूर्णमासी अमावस्या स्नान हो, सभी ट्रांसपोर्टों को भी भारी वाहनों का प्रतिबंध रहने का दंश खेलना पड़ता है, जिससे उनको भारी नुकसान का जो है सामना करना पड़ता है। वहीं ट्रांसपोर्टरों ने सरकार से आर्थिक संकट दूर करने की बात कही। हरिद्वार से नरेश तोमर की रिपोर्ट। आप लोगों के चैनल के माध्यम से हमारी सरकार को ये अवगत कराना चाहता हूँ कि पिछले कोविड के टाइम से ही ट्रांसपोर्ट का जो बिजनेस है वो लगातार ठप होता जा रहा है। उसका कारण कहीं ना कहीं हमारी जो सरकार है, इनका जो रवैया है ट्रांसपोर्टरों के प्रति, वो बहुत ही उदासीन रवैया रहा है। कोई किसी तरह का ध्यान नहीं देते ट्रांसपोर्टरों के समस्याओं के ऊपर। अब यहाँ पे कोई भी जैसे मेला हो या उसमें सब, या कांवड़ का जैसे टाइम है, हमारी गाड़ियों को रोक दिया जाता है, भारी वाहन को। और